या तुम पर कोई जबरदस्ती की गई है। मेरी मर्जी मेरे माँ बाप की रजा में है। तो फिर तुमने पहले इनकार क्यों किया था? देखो सोनिया, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज तुम इमोशनल होकर मामू के कहने पर यह शादी कर भी लोगी, कल को तुम्हारे लिए रिश्ता बोझ बन जाएगा, तुम्हारे लिए निभाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं हरगिज नहीं चाहता कि बाद में तुम्हारे और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ये जिंदगी मुश्किल हो जाए। इसीलिए बेहतर ये नहीं है कि हम अभी से सोच समझकर फैसला करें? मेरे और शाजवा के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं है। हजारों खदशात होंगे तुम्हारे दिल में, मैं सिर्फ तुम्हें ये बावर करवाना चाहता हूं कि मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में शाजमा के लिए अब कोई जगह नहीं है। मेरी जिंदगी का वो बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे दिल में कोई खदशात है, अगर तुम्हारी रजामंदी नहीं है इस रिश्ते के लिए, तो तुम इनकार कर सकते हो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। चूंकि ये तुम्हारा जायज हक है, अपने हक का ठीक से इस्तेमाल करना। सोच लो अच्छी तरह, बाद में तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। जीशान, मैं नहीं जानती आपने इस रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी है, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही वजह है। वो ये है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी शादी का फैसला पहले भी उन्होंने किया था और अब भी उन्हीं की खुशी है। और मेरे लिए उनकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं। अरे जीशान, जा रहे हो बेटा? जी बुआनी जान। चाय बन रही है? नहीं, थोड़ी जल्दी में एक बहुत जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ सोनिया, क्या कह रहा था जीशान? सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही